हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आई होप कि आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल से एक आइडिया लगा लिया होगा कि ये जो हमारा वीडियो है आज का, वो होने वाला है कि हम कम टाइम में अपना ज़्यादा सिलेबस जो है वो कैसे कवर करें, कैसे पढ़ें, ठीक है, और अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, ठीक है। तो आज चलिए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट रूल है टू बी मोर प्रोडक्टिव, वो है गोल्डन आवर रूल। अब इसमें क्या है कि हर किसी का जो है वो एक कंफर्ट टाइम जोन होता है, जिसमें कि आपका माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश रहता है, एंड आप जो चीज़ें करते हो वो बहुत अच्छे से उस टाइम पीरियड के अंदर कर लेते हो। जैसे मुझे, मेरा पता है कि मैं ना नाइट पर्सन हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ नाइट पर्सन। मैं दिन में लेट उठ सकती हूँ, बट मैं रात को बहुत देर तक जाग सकती हूँ, बहुत देर तक जाग कर पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यही करा था अपने टाइम में कि मैं रात को ही पढ़ती होती थी, बिकॉज़ मेरे को रात को पढ़ने में ज़्यादा कंफर्ट मिलता था और मैं ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ कर लेती थी, याद रखती थी, तो मैं रात में ही पढ़ती थी। सेम आपको भी अपना एक कंफर्ट टाइम जोन जो है वो ढूंढ कर रखना है, ताकि आप उस टाइम पर ज़्यादा अच्छे से पढ़ सको। एंड मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद आप अपना जो भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद 1 से 1.5 घंटा, मतलब आप अगर 8 बजे उठ रहे हो तो ट्राई करिए कि आप 9 बजे तक एटलीस्ट पढ़ने बैठ जाओ। उससे ज़्यादा टाइम आप वेस्ट मत करो, क्योंकि जब हम उठते हैं ना, तब भी हमारा माइंड जो है वो बहुत बढ़िया फ्रेश रहता है। तो हम जो चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है और हमारा कंसंट्रेशन जो रहता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारा जो सेकंड रूल है वो ये है कि आप जो है वो अपने खुद के टीचर बनिए, ठीक है। जो प्रीसेट पहले से रूल्स हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जैसे मैं भी जो आपको बता रहा, ऐसा नहीं है कि आपको उन रूल्स के हिसाब से आप जब चलोगे तभी आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी योर ओन टीचर। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी कम्फर्ट के हिसाब से, अपने हिसाब से आप रूल्स बनाइए जिसमें आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है। आपको अपना जो टाइम है उसको प्रोडक्टिव बनाना है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ज़्यादा बताए कि आपको कैसे वो चीज़ें करनी है। तो उन चीज़ों के लिए आप खुद रूल्स बनाइए और फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि आपने रूल्स बना दिए बट आप फॉलो नहीं कर रहे, तो रूल्स बनाइए और साथ के साथ ही आप उस रूल्स को फॉलो भी करिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कट ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस। आपको लगता है कि जो भी चीज़ें आपकी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपकी स्टडी से, आप उन चीज़ों को कट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। लाइक योर मोबाइल फोन्स, आपका सोशल मीडिया जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या आपका कोई इन्वायरमेंट, आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ते हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो आप ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ना आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो आपके हाथ में है। आप थोड़ा कामर इन्वायरमेंट में जाके पढ़ सकते हो, आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनको कम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना है आपको इस टाइम पे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए, वो ये रहेगा कि स्पेस्ड रेपिटेशन करनी है आपको। इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम के लिए पढ़ना है और फिर आपको एक जो है वो रेस्टिंग टाइम रखना है। सपोज़ आप 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, तो आप ट्राई करिए कि आप 5 मिनट्स का जो है वो ब्रेक लीजिए उसमें से, ठीक है, थोड़ा पानी वगैरह पीजिए, फ्रेश हो जाइए, ठीक है। उसके बाद वापस से आप पढ़िए, वापस से 1-2 घंटे का पढ़ने के बाद वापस से एक ब्रेक लीजिए। तो इसे हम ना स्पेस्ड रेपिटेशन बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि प्री प्लान एंड डिवाइड योर सिलेबस। अब जो ये पॉइंट है हमारा, इसको ना मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ कि अपने सिलेबस को जो है वो सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एनालाइज करना है। ये आपका हमेशा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। जब आपको प्री प्लान करनी है अपनी चीज़ें, अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, टफर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पहले पढ़ना है, जो इजी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको बाद में पढ़ सकते हो, क्योंकि वो आपको अच्छे से, वो इजी हैं तो वो आपको ज़्यादा टाइम जो है वो लेंगे नहीं, और आप थोड़ा कम टाइम देकर भी उन सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर जो है वो गेन कर सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्टिव रिकॉल। इसमें आपको क्या करना है कि आपने अपने सिलेबस को एक बार जब पढ़ लिया, सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करोगे उस टाइम पे आपको थरली रिवाइज करना है, ठीक है, एंड नोट्स बनाने हैं। आप जब नोट्स बनाते हो ना, तो आपको रिकॉल होंगी चीज़ें जो भी आपने पहले पढ़ा है, जो भी
नेक्स्ट है हमारा डू स्मार्ट वर्क। इसमें आना है कि आपको जो है अपना सिलेबस जो है वो एक बार प्रॉपरली कवर कर लेना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने की कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स को अलग से हाईलाइट कर लेना है। और नेक्स्ट टाइम जब आप रिविजन करोगे तो आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। पॉइंट इज गिव योर सेल्फ चैलेंज। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं दोगे आप अपने आप को प्रूव कैसे करोगे? ऑब्वियसली ठीक है, तो आप अपने लिए कुछ गोल्स जो हैं वो सेट करिए डेली और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करिए। हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रिविजन। ऑफकोर्स रिविजन जो है मस्ट है, विदाउट रिविजन कुछ भी नहीं है गाइज। आप चाहे 1000 बार पढ़ लो बट अगर आपने उस चीज़ को रिवाइज नहीं करा तो आपका जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब बेकार है। अगर आप पढ़ोगे उसको रिवाइज करोगे तभी वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, अदरवाइज आप ना कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। तो आप ट्राई करिए कि आपने जो भी पढ़ा है तो उसको प्रॉपरली आपको रिविजन का टाइम देना पड़ेगा। गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर आप बोल लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जिनको फॉलो करके आप भी कुछ टाइम के अंदर ही अपना सिलेबस जो है उसको कवर कर सकते हो और अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, मोर प्रोडक्टिव बना सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।